हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो आज के टॉपिक होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया अंडर 19 का फाइनल के हवाले से। मैं दो तीन बातें करूंगा। 9 तारीख को इंडिया और बांग्लादेश का फाइनल खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने फॉर द फर्स्ट टाइम कोई आईसीसी का टाइटल जीता और इंडिया को फाइनल में बीट किया। सही है। फर्स्टली जब मैच ख़त्म हुआ तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई ग्राउंड में भी, प्लेयर्स ने काफ़ी कोई लड़ाई भी की, नोक झोंक भी हुई, वर्डिंग भी हुई, एब्यूजिंग भी हुई, स्लैंग भी हुई, और बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी, इंडियन के प्लेयर्स ने भी काफ़ी एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा और एब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। गेम स्टार्ट करना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया का जब फाइनल मैच सेमीफाइनल मैच खेला गया था ना, तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान एकदम से कोलैप्स हो गई थी ना, तो इंडियन बॉलर्स ने भी पाकिस्तान को ऐसा रिएक्शन दिया था ना, जो बड़ा ही नाजेबा था और बहुत ही गलत रिएक्शन दिए थे इंडियन बॉलर्स ने। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने और पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान 177 पर बोल्ड आउट हो गई थी। और पर जब इंडियन की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी पाकिस्तान को इतना अच्छा चेस किया था कि पाकिस्तान 10 विकेटों से आ गई, तो पाकिस्तान ने कुछ बोला ही नहीं। और जब बांग्लादेश ने साउथ न्यूजीलैंड को मारा सेमीफाइनल पे, ठीक है, और फिर जब ये दोनों टीम फाइनल में आई, ठीक है, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी इंडिया को, इंडिया भी 172-173 पे ऑल आउट हो गई, और बांग्लादेशी बॉलर्स काफ़ी एग्रेसिव थे और इंडियन ने भी कोलैप्स किया था, पाकिस्तान की तरह इंडिया भी कोलैप्स हुई थी, और बांग्लादेशी बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैन को काफ़ी ऐसे वर्ड्स कहे, अपने रिएक्शंस दिए, एग्रेसिव थे और कैसी ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, और जब बैटिंग पे आ रहे थे तो उनको गलत गलत इशारे भी कर रहे थे, तो ये और फिर और वो उसी तरह का रिएक्शन दोबारा हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने 50 रन का ओपनिंग स्टैंड की, फिर बांग्लादेश भी कोलैप्स हो गया, और इंडियन बॉलर्स तो बहुत अच्छे बॉलर्स थे, उनने भी ऐसे इशारे किए, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और फिर जब मैच खत्म हुआ, बारिश हो गई और डक वर्थ के मुताबिक बांग्लादेश मैच जीत गया, तो आपस में प्लेयर्स में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, वर्ड्स का भी तबादला हुआ, और बांग्लादेशी लड़के कुछ थे, उनने भी कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए, और साथ में इंडिया ने भी कुछ अजीब वर्ड्स इस्तेमाल किए, उनकी थोड़ी फाइट बैक भी हुई ऑन द फील्ड, फिर जिसमें प्लेयर्स, अंपायर, मैच रेफरी सब आ गए, उनके कोचिंग स्टाफ भी आ गया, उनने इन सबको हटाया, काफ़ी हुआ यार। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है तो उसको जेंटलमैन गेम ही रहने दो, ये ना इसको अखाड़ा बनाओ, ना इसको ऐसा करो, क्योंकि यार तुम हमें पता है कि आप पहला आईसीसी इवेंट जीते हो बांग्लादेश, तो बी पेशेंट्स और बी काम, क्योंकि आपने भी टफ मैच खेल कर आ रहे हो और इंडिया ने भी आपको टफ टाइम दिया है, और आपको पता है कि ऐसा करने से आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपका करियर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आईसीसी के रूल्स चलेंगे, अगर आईसीसी चाहता तो आईसीसी को बैन भी लगा सकता है 2-3 मैचों का, और इस तरह उस तरह हो सकता था। लेकिन क्रिकेट को जेंटलमैन गेम ही रहने दो, अगर इसमें वो आप लड़ाइयाँ ले आओगे, ये चीज़ें ले आओगे, वो चीज़ें ले आओगे, तो फिर ये इस गेम का मकसद चला जाएगा और इसका सारा जो वो होता है ना ग्लैमर और एक्साइटमेंट सब ख़त्म हो जाएगी। सीरियसली मैंने मैच पूरा देखा था, लेकिन जब मैं मैच खत्म हुआ तो मैं बाहर गया, जब मैंने फिर बाद में वीडियोज़ देखी, मैंने कहा कि कितनी लड़ाई हुई है और कितना आखवा देखवा हुआ है, और प्लेयर्स ने भी एक दूसरे को काफ़ी वर्डिंग इस्तेमाल की है और कोचिंग स्टाफ ने भी, तो जो हो गया हो गया। मैंने खाली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम ही रहने दो, ना इसमें पॉलिटिक्स लाओ, ना इसमें लड़ाइयाँ लाओ। यार देखो, अगर आप पे कोई बंदा बात करता है तो ठीक है, फिर उस बंद वो टीम भी आप पे बात करेगी जब आपकी बुरी परफॉर्मेंस होगी, तो थोड़ा सब्र रखो, ऑन द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड भी, और स्टिल अभी तक लड़ ही रहे हैं प्लेयर्स। यार आप लोग यंगस्टर आप फ्यूचर स्टार हो, आप अभी ये जो प्लेयर्स अभी जीते हैं, कोई अभी बांग्लादेश की नेशनल टीम में खेलेगा, किसी का IPL में कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी का BPL में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बड़ी बड़ी टीमों से खेलेंगे, तो ऐसा करोगे तो आपका करियर भी काफ़ी डिस्टर्ब होगा, और फिर आपको कोड ऑफ कंडक्ट से खेलोगे, फिर ये सब चीज़ें होगी, है ना, तो बी पेशेंट्स और बी काम। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्रिकेट को जो है ना, क्रिकेट को क्रिकेट ही रखो, इसमें लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स और ये चीज़ें मीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार क्रिकेट जो है बहुत बहुत पुरानी गेम है, और जब से ये T20 और ये चीज़ें आई हैं, ग्लैमर जब से इस पे आए, तो क्रिकेट का मज़ा चला गया, हुसन चला गया, तो जो भी इसमें हुसन है ना उसको बरकरार रखो, और
ये लड़ाई मराई मत करो यार, ये लड़ाई करने से क्या होगा यार, आज आप वर्ल्ड कप जीते हो कल दूसरी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, ये तो होता रहता है, क्रिकेट दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है सब कुछ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही था कि खाली ये न्यूज़ शेयर करूँ कि लड़ाई हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं क्रिकेट न्यूज़ ब्लॉग्स या क्रिकेट न्यूज़ या क्रिकेट ओपिनियन कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।